नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचबीएन न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें नॉनस्टॉप। कोरोना से मौत के मामले में इटली से आगे है ब्राजील। 24 घंटे में 1473 की मौत। दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आने से अब तक 388,710 लोगों की मौत। अमेरिका में अश्वेत की मौत के बाद नहीं थम रहा प्रदर्शन। लॉस एंजलिस में सड़कों पर उतरे लोग। सिंगापुर में अब तक कोरोना के मिले 517 केस, इसमें 19 भारतीय। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में किया सीज फायर का उल्लंघन, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। क्रिकेट की वापसी, कोरोना के बीच ऑस्ट्रेलिया में 6 जून से 8 टीमें खेलेंगी T20 टूर्नामेंट। दर्शकों को भी मिलेगी एंट्री, 3 दिन में होंगे 15। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अब टीमें 3 की जगह 5 खिलाड़ी बदल सकेंगी। 95 दिनों बाद 17 जून से सीजन हो सकता है शुरू। विदेश में आईपीएल कराने पर विचार कर रहा बीसीसीआई, यह आखिरी विकल्प होगा T20 वर्ल्ड कप पर, फैसले का इंतजार। भारतीय मूल के राहुल ने पुलिस से बचाने के लिए 60 प्रदर्शनकारियों को रात भर घर में दी पनाह। सोशल मीडिया पर मिला हीरो का दर्जा। रूस के साइबेरिया में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल का रिसाव। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी की घोषणा की।